समग्र शिक्षा सिद्धिपीठ तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल बगीचा 3 का तीसरा पाठ प्यारा गांव पृष्ठ संख्या 12 से लेकर 16 तक पाठ 3 प्यारा गांव पृष्ठ संख्या 13 रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए। सब मिलकर सवेरे रेल से निकले। गाड़ी में बड़ी भीड़ थी, फिर भी जैसे तैसे बैठने की जगह मिल गई। शाम तक गांव पहुंच गए। वहां स्टेशन के पास चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार थे। बैलगाड़ी खेतों के किनारे किनारे चलने लगी। खेतों में किसान काम कर रहे थे, पशु चर रहे थे। गांव की हरियाली देखने लायक थी। बातों बातों में घर आ गया। दादी जी से मिले। दादी जी ने बहुत लाड प्यार किया। सवेरे दोनों दूध पीकर दादाजी के साथ गांव घूमने निकले। रास्ते में बातें करते हैं। दादाजी, देखो सामने कमलेश काका आ रहे हैं, इन्हें प्रणाम करो। दोनों ने कमलेश काका को प्रणाम किया। वे बच्चों को देखकर खुश हुए। रानी, कमलेश काका क्या काम करते हैं? दादाजी, वे लोहार हैं। वे लोहे का सामान जैसे खुरपी, फावड़ा, हथौड़ा, पहिया, कुलाड़ी आदि सामान बनाते हैं। वह देखो, दामोदर दादा का मकान है। रमेश, दामोदर दादा क्या काम करते हैं? दादाजी, दामोदर दादा गांव वालों के लिए मिट्टी के बर्तन जैसे घड़े, मटके, हांडी, मिट्टी के खिलौने आदि बनाते हैं। बच्चों, तुम्हें पता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? रानी, कुम्हार कहते हैं ना दादाजी? दादाजी, शाबाश, मेरी प्यारी रानी बेटी को तो सब कुछ पता है। वह देखो, चंद्रया चाचा का घर, वह कपड़े बुनते हैं। रानी, अच्छा दादाजी, कपड़ा बुनने वाले को क्या कहते हैं? दादाजी, कपड़ा बुनने वाले को जुल्हा कहते हैं। कपड़ा मशीन और हाथों दोनों से बनाते हैं। हाथ से बनाने को हथकरघा कहते हैं। चंद्रया चाचा के घर के पास ही बाबैया का घर भी है, वे बड़े पृष्ठ संख्या 14 का काम करते हैं। रमेश, दादाजी बड़ई क्या काम करते हैं? दादाजी, बड़ई लकड़ी से हल, खिड़की, दरवाजे, बैलगाड़ी और तरह तरह के सामान बनाते हैं। रानी, दादाजी वहाँ देखिए, वे कौन हैं? वे क्या कर रहे हैं? दादाजी, हाँ बेटा, वे सोना चांदी का काम करते हैं। वे सोना चांदी से तरह तरह के आभूषण जैसे अंगूठी, हार, चूड़ी आदि बनाते हैं। रमेश, दादाजी उस गली में देखिए, लंबे लंबे बांस हैं। बांस से क्या क्या बनाते हैं? दादाजी, देखो बेटा, बांस से टोकरी, झूले, खिलौने आदि बनाते हैं। इन चीजों को बनाने वाले को बंसौर कहते हैं।
रमेश, दादाजी आपका गांव बड़ा प्यारा है। यहाँ तो सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। दादाजी, हाँ बेटा, यहाँ सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। ये एक दूसरे की सहायता करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। वे अपने अपने घरेलू उद्योगों से देश के विकास में भाग लेते हैं। रानी, दादाजी ये देखो कितने हरे भरे खेत हैं। दादाजी, हाँ बेटी, इन खेतों को हरा भरा बनाने के लिए किसान दिन रात मेहनत करते हैं, अन्न उगाते हैं, हमारी भूख मिटाते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था, वास्तव में भारत गांव में ही बसता है। रमेश और रानी, हाँ दादाजी, आपने सही कहा, सच में गांव बहुत प्यारे होते हैं।